अब इतना यही जोड़िए कि सफेद झूठ हो बोल रहा है, यहाँ से जीतने का कौन सवाल है? नालंदा से, नालंदा हम लोग हर हालत में जीतेंगे और काफी वोट से जीतेंगे, पिछले साल जितना जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। अरे भाई, किसी को बोलने में रुकावट है? कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो काम किया है हम लोगों ने, कोई घर बचा है जिसमें पैसा सरकार का नहीं जा रहा है, सरकार का सुविधा नहीं जा रहा है, हर बच्चे आज स्कूल में जो सरकारी में पढ़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाने वाले हैं, उनके कन्याकुमारी दौरे को लेकर विपक्ष हमला भर है। विपक्ष लगातार यह कह रही है कि अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। अब इसका करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोग बेतुकी बातें करते हैं, हम बेतुकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इसी के साथ साथ जीत का दावा करते हुए नजर आए जीतन राम मांझी और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ उनके साथ लवली आनंद भी मौजूद थे, श्रवण कुमार भी मौजूद थे। मंत्री श्रवण कुमार ने भी कह दिया है कि नालंदा हम लोग हर हाल में जीतने जा रहे हैं, नालंदा से विपक्ष कभी भी नहीं जीत सकती है, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी यह तो तय है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे जीतन राम मांझी और श्रवण कुमार, पहले आपको हम पूरा बयान सुनाते हैं। अब इतना यही जोड़िए कि सफेद झूठ हो बोल रहा है, यहाँ से जीतने का कौन सवाल है? नालंदा से, नालंदा हम लोग हर हालत में जीतेंगे और काफी वोट से जीतेंगे, पिछले साल जितना जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जो सर मनोज जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, लेट हो रहा है, इतना पाप किया प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उन लोगों की हर बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्या कहेंगे? वो लोग सब बेतुकी बात बोलते हैं, उनका जवाब हम लोग नहीं दे सकते। वो लोग कह रहे हैं 400 से पार नहीं बल्कि 200 से कुछ रहेगा, लेट हो रहा है, यही स्टार्ट करना है। यही तो कह रहे हैं कि उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बेतुकी बात है, हम लोग हर हालत में 400 पार हो रहे हैं और बिहार में हम लोग 400 से जीते हैं। सर आरजेडी के मनोज जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे भाई, किसी को बोलने में रुकावट है? कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो काम किया है हम लोगों ने, कोई घर बचा है जिसमें पैसा सरकार का नहीं जा रहा है, सरकार का सुविधा नहीं जा रहा है, हर बच्चे आज स्कूल में जो सरकारी में पढ़ रहे हैं उनको पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, उनको मध्याह्न भोजन के लिए, साइकिल के लिए पैसा, और उनको मैट्रिक में पास करने पर, इंटर में पास करने, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया ग्रेजुएशन करने पर उनको मिल रहा है। मनोज झा कहेंगे वो तो पता चलेगा 4 तारीख के बाद। मनोज झा का कहना है कि 1 तारीख को एग्जिट पोल आ गया है, जो बौखलाहट इंडिया में देखा जा रहा है। कोई बौखलाहट नहीं है, स्मूथली हम लोग चुनाव जीतेंगे, और अभी तक 5-6 चरणों के चुनाव हुए हैं, 6वें चरण के चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे एनडीए की सरकार। चुनाव के बाद जो है आरजेडी में फिर महागठबंधन की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि नालंदा से हम लोग चुनाव जीत रहे, हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। तो इस पर जीतन राम मांझी पलटवार करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले जो है वो सफेद झूठ कह रहे हैं, ये हम लोग जीतने ही नहीं देंगे, नालंदा हर हाल में हम लोग जीतेंगे। इसी के साथ साथ मंत्री श्रवण कुमार ने भी जीत का दावा कर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद प्रत्याशी लवली आनंद काराकाट पहुंचे थे, वहां पर वो लोकसभा को संबोधित करके लौट रहे थे। इस दरमियान बड़ा बयान देते हुए नजर आए एनडीए के नेता, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आपने सुना। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।